फिल्म की शुरुआत वीनस डेलमोनिको से होती है, जो स्टेटन आइलैंड के एक स्कूल में पढ़ती है। उसे कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट से एक ईमेल मिलता है, जिसमें बताया गया है कि एडमिशन की आखिरी तारीख सिर्फ 2 दिन दूर है। वीनस हमेशा से एक आर्ट्स स्कूल जाना चाहती थी ताकि वो अपने फोटोग्राफी के शौक को आगे बढ़ा सके। हाल ही में उसे कैलार्ट में एडमिशन मिल गया था, जो देश का सबसे नामी स्कूल है। वो अपने शहर से बाहर निकलकर नई दुनिया देखना चाहती है, लेकिन एक साल पहले उसके भाई माइक की मौत के बाद उसकी प्राथमिकताएं बदल गई हैं। एडमिशन को स्वीकार करने के बजाय वीनस एक ईमेल लिखने लगती है, जिसमें वो कहती है कि उसे एडमिशन का ऑफर ठुकराना होगा। वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वो अपनी माँ को यह बताने से डरती है कि वो स्टेटन आइलैंड छोड़ना चाहती है। इस बीच वीनस को जेपी गुएरेरो से एक फेसबुक नोटिफिकेशन मिलता है, जो स्कूल का पॉपुलर लड़का और एक उभरता हुआ फुटबॉल खिलाड़ी है। उसने वीनस को एक फोटो में टैग किया है, जिसमें वो सभी को दोपहर के अभ्यास मैच में शामिल होने के लिए कहता है। वीनस जैसे ही लाइक बटन दबाने वाली होती है, उसकी दोस्त सिडनी का वीडियो कॉल आ जाता है। सिडनी वीनस को जेपी के लिए उसके सीक्रेट क्रश पर चिढ़ाती है, जिससे वीनस शर्मा जाती है। सिडनी फिर पूछती है कि क्या वीनस ने अपनी माँ को कैलार्ट्स के एडमिशन के बारे में बताया है, जिस पर वीनस कहती है कि उसने अभी तक नहीं बताया। बातचीत के दौरान सिडनी उत्साहित होकर बताती है कि नर्व शुरू हो गया है। जब वीनस पूछती है कि ये क्या है, तो सिडनी उसे एक लिंक भेजती है, जो सीधे एक वीडियो पर ले जाता है। ये वीडियो दिखाता है कि नर्व एक 24/7 लाइव स्ट्रीमिंग गेम है, जिसमें लोग पागलपन से भरे टास्क को पूरा करने के लिए भाग ले सकते हैं। लोग या तो नर्व में दर्शक बन सकते हैं, जो देखने के लिए पैसे देते हैं, या खिलाड़ी बनकर हर चुनौती के बाद नकद इनाम जीत सकते हैं। सिडनी अपनी दोस्त से कहती है कि वो नर्व में दर्शक के रूप में साइन अप करे, लेकिन वीनस इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती। नाश्ते के दौरान वीनस अपनी माँ एन के साथ अपने भविष्य के बारे में बात करती है। एन चाहती है कि वीनस लोकल कॉलेज से स्कॉलरशिप ले और स्टेटन आइलैंड में ही रहे। वो मजाक में कहती है कि उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए वीनस का कॉलेज डॉर्म उनका अपना घर ही हो सकता है। वीनस इस पर अपनी माँ से पूछती है कि क्या वे माइक के कमरे को एयरबीएनबी पर लिस्ट कर सकते हैं, ताकि कुछ अतिरिक्त पैसे कमा सकें। लेकिन एन इस विचार को ठुकरा देती है, क्योंकि वो अपने बेटे की यादों को नहीं बेचना चाहती। इसके बाद वीनस फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों, जिनमें जेपी भी शामिल है, सबकी फोटो लेती है। सिडनी, जो एक चीयरलीडर है, अपने नर्व अकाउंट पर वॉचर्स से बात करती है और फिर दूसरे चीयरलीडर्स के पास चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब डांस रूटीन शुरू होता है, तो सब अपने हिस्से की परफॉर्मेंस देते हैं। लेकिन डांस के बीच में सिडनी अचानक अपनी स्कर्ट उठाती है, जिससे भीड़ में उत्साह फैल जाता है। वीनस को समझ आता है कि सिडनी ने नर्व के एक चुनौती के तहत ऐसा किया है। इसके बाद सिडनी को अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया जाता है, और वीनस उसे कहती है कि उसे पढ़ाई और जीवन की अन्य महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन सिडनी कहती है कि वीनस नर्व के रोमांच को नहीं समझती, क्योंकि वो हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहती है। इस बात से नाराज होकर वीनस घर जाकर नर्व में खिलाड़ी के रूप में साइन अप कर लेती है। इसके बाद एक रोबोटिक आवाज 3 अहम नियमों की घोषणा करती है। पहला नियम है कि हर खिलाड़ी को अपनी चुनौती का वीडियो अपने फोन से रिकॉर्ड करना होगा। दूसरा नियम है कि अगर कोई खिलाड़ी असफल होता है या चुनौती से पीछे हटता है, तो वो बाहर हो जाएगा। और तीसरा नियम सख्ती से कहता है कि खिलाड़ी इस गेम के बारे में अधिकारियों को कुछ नहीं बता सकते, नहीं तो स्निचेस गेट स्टिचेस। इसके बाद नर्व पर वीनस अपनी पहली चुनौती स्वीकार करती है, जिसमें उसे एक पास के डिनर पर जाना होता है। वो अपने दोस्त टॉमी को साथ ले जाती है, जो एक प्रोग्रामर है और नर्व गेम को लेकर बहुत शक करता है। टॉमी उसे साथ तो ले जाता है, लेकिन कहता है कि कुछ लोग नर्व खेलते समय मर भी गए थे। वीनस कहती है कि अगर ये सच होता तो गेम अब तक बंद हो चुका होता। टॉमी बताता है कि गेम को बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका कोई एक सर्वर नहीं है। जो भी नर्व खेलता है वो एक नया सर्वर बन जाता है, जिससे इसे बंद करना मुश्किल हो जाता है। डिनर पर पहुंचने के बाद वीनस को पता चलता है कि उसकी पहली चुनौती एक अजनबी को 5 सेकंड के लिए चूमना है, और इसके बदले उसे $100 मिलेंगे।
टॉमी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वीनस उसे अनसुना करके एक लड़के इयान से मिलती है जो किताब पढ़ रहा होता है। वीनस उससे किताब के बारे में पूछती है और फिर उसे चूम लेती है। टॉमी इस सब का वीडियो रिकॉर्ड करता है और वीनस के अकाउंट में $100 जमा हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वे दोनों इयान को गाते और नाचते हुए देखते हैं, जिससे पता चलता है कि वो भी नर्व का खिलाड़ी है। इयान बताता है कि गेम ने उसे यहाँ बुलाया था और फिर वे दोनों अलग हो जाते हैं। अचानक इयान को नई चुनौती मिलती है, जिसमें उसे वीनस के साथ डाउनटाउन जाना होता है। वीनस पहले तो झिझकती है, लेकिन फिर उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है। वे मोटरबाइक पर बैठकर जाते हैं और वीनस को समझ आता है कि नर्व के वॉचर्स चाहते हैं कि वे दोनों और समय साथ बिताएं। शहर में घूमते हुए वीनस इयान से पूछती है कि वो नर्व क्यों खेल रहा है। वो जानना चाहती है कि वो पैसे के लिए खेल रहा है या सिर्फ रोमांच के लिए। इयान थोड़ा अस्पष्ट जवाब देता है और कहता है कि वो अपने परिवार की मदद के लिए खेल रहा है। फिर वीनस को सिडनी का फोन आता है, लेकिन वो कॉल को नजरअंदाज कर देती है और सिडनी के बारे में कुछ बुरा बोलती है, जिसे नर्व वॉचर्स रिकॉर्ड कर लेते हैं। जब सिडनी लाइव वीडियो देखती है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है। उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वीनस को नर्व गेम में ज्यादा लोकप्रियता मिल रही है। इस गुस्से में वो एक खतरनाक चुनौती स्वीकारती है, जिसमें उसे एक इमारत से दूसरी इमारत पर केवल एक सीढ़ी के सहारे जाना होता है। जल्द ही उसका गुस्सा डर में बदल जाता है और वो ये करने से पीछे हट जाती है। इस दौरान एक रहस्यमय खिलाड़ी जिसका नाम टाई है, वो लगातार सभी चुनौतियां पूरी करता है और नर्व का टॉप प्लेयर बन जाता है। इसके बाद वीनस और इयान नर्व की एक पार्टी में पहुंचते हैं, जहां बहुत भीड़ होती है। वीनस सिडनी को ढूंढती है, जो जेपी के साथ होती है, और दोनों में झगड़ा हो जाता है। सिडनी गुस्से में होती है क्योंकि वीनस ने उसके बारे में कुछ बुरा कहा था। जब सिडनी रोने लगती है तो वीनस को एक नई चुनौती मिलती है, जिसमें उसे वही चुनौती पूरी करनी होती है जो सिडनी को मिली थी। वीनस ये चुनौती पूरी कर देती है और नर्व गेम की टॉप प्लेयर बन जाती है। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि टॉमी पार्टी में आता है और इयान के बारे में नई जानकारी देता है। वो बताता है कि इयान पहले से एक अनुभवी नर्व खिलाड़ी है और उसने सिडनी और वीनस के बीच गलतफहमी पैदा करने के लिए एक चुनौती स्वीकार की थी। ये सुनकर वीनस बहुत गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो इयान के लिए सच्ची फीलिंग्स महसूस करने लगी थी। वो पार्टी से बाहर निकल जाती है और इयान उसके पीछे आता है। वीनस उससे पूछती है कि क्या उसने उसे सचमुच अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया था। इससे पहले कि इयान कुछ कह पाता, टाई वहां आता है और उनकी वीडियो रिकॉर्ड करता है। इसे देखकर इयान वीनस का हाथ पकड़ता है और वे दोनों वहां से भाग जाते हैं। वो उसे एक लिफ्ट में ले जाता है, जहां वीनस चिल्लाने लगती है। वो बहुत गुस्से में होती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि वो एक ऐसे गेम में फंस गई है जो उसकी जान के लिए खतरनाक है। इयान उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह सके, टाई वहां आता है और उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद वीनस की माँ आती है और टॉमी और उसके हैकर दोस्तों से मिलती है। वो उनसे पूछती है कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन वे कोई जवाब नहीं दे पाते। फिर वीनस एक पुलिस वाले से मिलती है और उसे नर्व गेम के बारे में बताती है, लेकिन पुलिस वाला कुछ नहीं करता और पूछता है कि क्या सच में कोई अपराध हो रहा है। वीनस उसे अपना फोन दिखाती है, लेकिन तभी टाई आकर उसे बेहोश कर देता है। वीनस जब होश में आती है तो वो एक कंटेनर में बंद होती है, जिसकी दीवार पर स्निचेस गेट स्टिचेस लिखा होता है। एक टीवी स्क्रीन पर उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल और निजी जानकारी दिखाई जाती है। एक आवाज उसे बताती है कि अब वे उसके जीवन को पूरी तरह से कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन वे उसे एक मौका देते हैं जिससे वो फाइनल राउंड तक पहुंच सकती है। वीनस को स्टेटन आइलैंड फेरी पर जाने के लिए कहा जाता है, जहां वॉचर्स उसे ढूंढेंगे और वे आखिरी चुनौती के लिए तैयार होंगे। फिर आखिरी चुनौती शुरू होती है। वीनस को एक बंदूक दी जाती है और उसे इयान के साथ लड़ने के लिए कहा जाता है। जो पहले गोली मारेगा वो जीत जाएगा। इयान, जो अब अपने किए पर पछता रहा है, वीनस से कहता है कि वह उसे मार दे, लेकिन वीनस ऐसा करने से मना कर देती है और दोनों वहीं खड़े रह जाते हैं, ये सोचते हुए कि वे किस मुसीबत में फंस गए हैं। तभी एक नकाबपोश व्यक्ति वहां आता है
और दोनों के बीच में खड़ा हो जाता है। वो अपना नकाब हटाता है और पता चलता है कि वो टाई है। वीनस सभी से पूछती है कि क्या सच में वे चाहते हैं कि खिलाड़ी एक दूसरे को मार डालें। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह सके, टाई इयान को मार देता है और वीनस को गिरा देता है। इसके बाद टॉमी और उसके हैकर दोस्त आखिरकार नर्व गेम के कोड को तोड़ने में सफल हो जाते हैं। वे सभी वॉचर्स को एक संदेश भेजते हैं जिसमें लिखा होता है कि वे हत्या में शामिल हो रहे हैं। ये देखकर सभी वॉचर्स अपने सर्वर बंद कर देते हैं और नर्व गेम पूरी तरह से बंद हो जाता है। आखिर में वीनस और इयान, जिसका असली नाम सैम है, दोनों साथ में चलते हैं। इयान वीनस को भरोसा देता है कि वो उसके साथ मिलकर सही काम करना चाहता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि दूर से एक दर्शक उन्हें अभी भी चुपके से रिकॉर्ड कर रहा है।